अस्सलामु अलैकुम सामईन व नाज़रीन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग आने वाले इस फितने के बारे में बात करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इस इंसान का ये वाला वीडियो देखेंगे। वीडियो के अंदर आपको जो इंसान नज़र आ रहा है उसका नाम मोहम्मद जायद है और ये इंसान अपने आप को मुसलमान कहता है। न सिर्फ मुसलमान बल्कि ये इंसान अपने आप को एक इमाम भी बताता है। लेकिन ये इंसान एक हम जिन्स परस्त इंसान है। हम जिन्स परस्त आप समझ सकते हैं, अगर आप नहीं समझते तो मैं इशारतन समझा देता हूं। जो मर्द जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए मर्द की तरफ माइल हो, जो औरत जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के लिए औरत की तरफ माइल हो, ऐसे लोगों को हम जिन्स परस्त कहा जाता है। हम जिन्स परस्ती इस्लाम के अंदर हराम है। यह इंसान जो अपने आप को इमाम बता रहा है यह एक हम जिन्स परस्त इंसान है। यह इंसान हम जिन्स परस्ती को जायज समझता है, न सिर्फ जायज समझता है बल्कि हम जिन्स परस्ती को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस इंसान ने फ्रांस के अंदर एक इदारा खोला है और उस इदारे का नाम इस शैतान ने रखा है इस्लामिक इंस्टीट्यूट। उस इदारे के अंदर ये इंसान हम जिन्स परस्तों को इकट्ठा करता है, उनकी शादियां करता है और उनको फैले कभी करने की इजाजत देता है। या आम जबान में कहूं तो ये एक लूती इंसान है जो लिवातत को पसंद भी करता है और लिवातत को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। क्या सच में यह इंसान एक मुसलमान हो सकता है? क्या सच में यह इंसान एक इमाम हो सकता है? यह सारी चीजें बाद में, पहले इस इंसान का एक डेढ़ मिनट का वीडियो देखें। वीडियो के बाद बात करेंगे क्या सच में यह मुसलमान या इमाम है या नहीं। लुडविग मोहम्मद जाहिद एक गे इमाम है। वो मुस्लिम बरादरी में होमोसेक्सुअल अफराद के लिए रवादारी को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। इस तरह मजीद नहीं चल सकता क्योंकि बहुत ज्यादा तशद्दुद, दबाव और तजलील की जाती है। लोग दिखावा करते हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं। बाज़ औक़ात हमारे खानदानों और बरादरियों में जिस्मानी तशद्दुद भी किया जाता है। जाहिद मजबूरन अपना आबाई मुल्क अलजायर छोड़कर फ्रांस मुंतकल हो गए। वो पहले से एक तरबियत याफ्ता इमाम थे। फ्रांस में उन्होंने बतौर हम जिन्स पसंद एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। वो हम जिन्स पसंदों की शादियों का बाकायदा एहतमाम भी करते हैं। आपकी आमद का शुक्रिया। मेरे लिए इस तकरीब में शिरकत करना बहुत एजाज की बात है। जाहिद को बतौर के इमाम धमकियों और तासुब का भी सामना करना पड़ता है। कुछ लोग मुझे जाने बगैर गुस्सा हो जाते हैं। ये पागलपन है कि लोग आपसे नफरत कर सकते हैं या आपको जाने बगैर आपको मुर्दा देखना चाहते हैं। ऐसे मनफी रवैयों के बावजूद जायद बिला झिझक कहते हैं कि उनका ताल्लुक मुसलमान बिरादरी से है। वो पहले ही 5 मरतबा मुसलमानों के मुकद्दस मकाम मक्का जा चुके हैं। C'était très important pour moi. मेरे और हमारे लिए वहाँ मौजूद होना और ये जाहिर करना बहुत अहम था कि हमारा भी वजूद है और हम मुस्लिम कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हम भी सभी की तरह हैं और किसी से इंसानी या रूहानी तौर पर कमतर नहीं, जैसे कि हमें मुख्तलिफ करार दिया जाता है। तो वीडियो आप लोगों ने देख लिया। इस इंसान के इस वीडियो के ऊपर जानबूझ करके ये लिख करके शेयर किया जा रहा है कि एक इमाम, मुसलमानों का एक इमाम, हम जिन्स परस्ती को बढ़ावा देने के लिए, फरोग देने के लिए मेहनत और मशक्कत कर रहा है। जबकि वीडियो के अंदर इस इंसान को आप लोगों ने भी देखा, पूरी ईमानदारी के साथ बताइए क्या कहीं से भी किसी एंगल से भी ये इंसान इमाम नजर आता है? और इस वीडियो के अंदर इस इंसान को इमाम साबित करने के लिए एक मस्जिद की भी रिकॉर्डिंग दी गई है जहां बहुत सारे लोग जमात से नमाज पढ़ रहे हैं, पर उस मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाला ये नहीं, कोई और इमाम है। और इस वीडियो के अंदर इस इंसान को अच्छा बताने के लिए यह भी बताया गया है कि यह इंसान 5 मरतबा मक्का जाके आया है। तो मक्का जाने के लिए आपके पासपोर्ट के ऊपर आपका मुसलमानों जैसा नाम होना चाहिए, बाकी आप चाहे किसी भी मजहब के हों। बहुत सारे ऐसे लोग जो पहले मुसलमान थे बाद में मुर्तद हो गए लेकिन उनके नाम अभी मुसलमानों जैसे हैं, वो भी आए दिन मक्का जाते रहते हैं। तो मक्का जाने से ये साबित नहीं होता कि ये कोई अच्छा इंसान या कोई इमाम है। इमाम तो होना तो दूर की बात है, मुझे तो ये इंसान किसी भी एंगल से मुसलमान तक नज़र नहीं आता। हाँ, इसका नाम मुसलमानों जैसा ज़रूर है।
शरीयत इस्लाम के अंदर हम जिन्स परस्ती हराम है। जो इंसान हम जिन्स परस्ती को जायज़ समझे वो कुफर करता है। ये इंसान न सिर्फ जायज़ समझता है बल्कि हम जिन्स परस्ती को लवातत को बढ़ाने के लिए मेहनत व मशक्क़त कर रहा है, इदारे बना रहा है, हम जिन्स परस्तों को इकट्ठा करके उनसे बदफेलियाँ करा रहा है, उनकी शादियाँ करा रहा है, उनको फैले कभी करने की इजाज़त दे रहा है। तो इमाम होना तो दूर की बात है, मुझे तो ये इंसान किसी एंगल से मुसलमान भी नज़र नहीं आता। मेरे भोले भाले मुसलमान भाइयों, शयातीन ने अब इमामों के और मुसलमानों के लिबास पहन लिए हैं। ये क़ुर्ब क़यामत है और इस तरह के बहुत बड़े बड़े फितने आने वाले हैं। इस तरह के फितनों से अपना ईमान बचाना। जो इंसान कुरान और हदीस की बातों को मानने से इनकार करता है और जो दीन इस्लाम को बदलने की कोशिश करता है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। इमाम होना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, इस तरह के शयातीन अगर मुसलमानों जैसा लिबास पहन करके या इमाम बता करके आगे आएँ तो आप इनको मुसलमान या अच्छा इंसान समझ करके फॉलो करना मत शुरू करें। आप कुरान और हदीस को देखें, वही हक है, वही इस्लाम है। मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंचाइए। बोलने में समझाने में कमी बेशी व गलती हो गई हो तो मेरी इसलाह करें। अस्सलामु अलैकुम।